क्या आपको भी वोकैबुलरी याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है? अगर आती है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे ये 10 वर्ड्स आपको एक बार में याद हो जाएंगे, ये वादा है मेरा, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया तो। बिकॉज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक साइंटिफिक तरीका जिसको हम जानते हैं स्मृति विज्ञान के नाम से, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेमोनिक्स। दोस्तों, आज का हमारा पहला वर्ड होने वाला है शार्लेटन। शार्लेटन, और इस वर्ड का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है झूठा, धोखेबाज। और जनरली ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो मेडिकल फील्ड में क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन उनके पास मेडिकल फील्ड का कोई भी नॉलेज नहीं होता है। तो हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं झूठा वैद्य। अब अगर बात करें अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे दोस्तों, आप बोल सकते हैं पर्सन प्रिटेंडिंग टू हैव स्किल्स बट डोंट हैव एनी स्किल्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है, इसके पास बहुत स्किल्स है ऐसा वो शो करेगा, लेकिन उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं होगी। मतलब वो सिंपली एक चीटर है, एक इम्पोस्टर है। चलिए दोस्तों, बनाते हैं शैलेटन वर्ड के लिए एक निमोनिक। देखिए दोस्तों, शैलेटन साउंड्स लाइक चार, चार लाते, चार लाते। दोस्तों, आपका भी मन करता होगा ना, अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप उसको चार लाते मारे, तो बस ऐसे ही इस वर्ड को याद रख लीजिएगा। जो धोखेबाज होते हैं, झूठे होते हैं, जो झूठा वैद होगा ना, उसको चार लाते मारना चाहिए। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इस वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल, ही नोज नथिंग अबाउट मेडिसिन, ही इज अ कंप्लीट शार्लेटन। मतलब उसको मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, मेडिसिन का काम कर रहा है। मतलब वो एक कंप्लीट शार्लेटन है, धोखेबाज है, झूठा है, आप ऐसा बोलेंगे। दोस्तों, आज का हमारा सेकंड जो वर्ड है, इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं मर्सिनरी। मर्सिनरी, और दोस्तों मर्सिनरी वर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे हम एक ऐसे सोल्जर की बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लड़ता है। किसी भी कंट्री के लिए ये सैनिक लड़ेगा सिर्फ पैसे के लिए। या एक और इसका मतलब बोल सकते हैं, दैट समवन हु इज मोटिवेटेड बाय मनी ओनली। आप हिंदी में ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे लोभी, या फिर किराए का सैनिक। लोभी मीन्स लालची होगा, तभी तो वो पैसे के लिए काम करेगा। और आप अगर सोल्जर के रेफरेंस से अगर देखें, तो आप बोल सकते हैं एक किराए का सैनिक। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं मर्सिनरी वर्ड के लिए एक निमोनिक। देखिए दोस्तों, मर्सिनरी वर्ड में आपको मर्सी सुनाई दे रहा है, मर्सी। और दोस्तों, मर्सी का मतलब होता है, आप ऐसा रिलेट करिए मर्सी, और मर्सी का मतलब होता है दया। देखिए, हम यहाँ लिख भी देते हैं दैट मर्सी, मर्सी, और यहाँ पे आप इसको कर दीजिए नारी, आप इसको कर दीजिए नारी। मर्सी का तो दोस्तों मतलब ही क्या होता है, दया। मर्सी का मतलब होता है दया। तो हम यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जो नारी को भी नहीं छोड़ेगा, एक फीमेल को भी नहीं छोड़ने वाला है, उसके सामने भी दया नहीं दिखाएगा। तो मर्सिनरी वर्ड को ऐसे याद रखिए कि जो मर्सिनरी होते हैं ना, वो नारी पर भी मर्सी नहीं करते हैं। मर्सिनरी, नारी पर मर्सी नहीं करते हैं। समवन हु इज मोटिवेटेड बाय मनी ओनली, सोल्जर हु फॉट फॉर मनी, लोभी, किराए का सैनिक। इन दिस वे वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड इट फॉर प्योरली मर्सिनरी reasons। मतलब उसने जो भी किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया था, मर्सिनरी reasons के लिए किया था, मर्सिनरी reasons के लिए किया था। तो ऐसे आप इस वर्ड को याद रखिए। दोस्तों, आज का थर्ड नंबर का हमारा वर्ड हैगा यर्न, यर्न, और इसका मतलब होता है टू विश फॉर समथिंग स्ट्रांगली। आप किसी के लिए बहुत आपकी इच्छा है किसी चीज को हासिल करने के लिए, टू विश, टू क्रेव फॉर समथिंग। अगर हिंदी में इसका मतलब देखें तो इसको बोलते हैं किसी चीज के लिए तड़पना या फिर तरसना। चलिए दोस्तों, बनाते हैं यर्न वर्ड के लिए एक निमोनिक। देखिए दोस्तों, यर्न वर्ड में आपको अर्न सुनाई दे रहा है, अर्न, earn, अर्न। और दोस्तों, अर्न का मतलब होता है पैसा कमाना। एंड वी ऑल यर्न टू अर्न मनी। हम सभी पैसा कमाने के लिए तरसते हैं। हम सबकी इच्छा है कि हम अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाएं। हम सबकी विश है कि हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएं। सो यू कैन से यर्न इज समहाउ रिलेटेड टू अर्न, एंड एवरीबडी यर्न्स टू अर्न। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी यर्न्स टू अर्न मनी। सभी पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, तरसते हैं। दोस्तों, आज का फोर्थ वर्ड होने वाला है बॉइस्टरस। और इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है अगर आप हिंदी में बोले तो उद्यमी या फिर उपद्रवी। मतलब कोई जो बहुत उधम मचा रहा है तो वो बॉइस्टरस है, उद्यमी है तो वो बहुत बॉइस्टरस है। और इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं नॉइजी, एनर्जेटिक, रफ।
अब इस वर्ड को आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बॉइस्टरस वर्ड में आपको बॉइस सुनाई दे रहा है दोस्तों। क्या सुनाई दे रहा है? बी ओ आई एस से आप रिलेट करिए इसको बॉइस से। बॉइस, बॉइस मतलब लड़के। और दोस्तों हम लड़के कैसे होते हैं ये सभी जानते हैं कि जो लड़के होते हैं ना वो काफी उद्यमी होते हैं, उपद्रवी होते हैं, नॉइजी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, रफ होते हैं। तो बॉयज आर वेरी बॉइस्टरस, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज बॉयज आर वेरी बॉइस्टरस, कॉलेज बॉयज आर वेरी बॉइस्टरस, मतलब जो कॉलेज के जो बॉयज होते हैं ना ये बहुत ज्यादा ही उद्यमी होते हैं, बहुत ज्यादा ही उपद्रवी होते हैं। दोस्तों आज का हमारा फिफ्थ वर्ड है डेफ्ट, डेफ्ट। और दोस्तों डेफ्ट वर्ड का मतलब होता है समवन हु इज स्किलफुल, और यू कैन ऑल्सो से एडेप्ट। और अगर हिंदी में आप इसका मतलब देखें तो आप बोलेंगे चतुर, कुशल, निपुण, चालाक, बहुत सारे मतलब हैं इसके। चलिए दोस्तों बनाते हैं डेफ्ट वर्ड के लिए एक निमोनिक। देखिए दोस्तों डेफ्ट वर्ड में आपको डीई एफ दिख रहा है, ये डीई एफ आप इसको डेफ पढ़िए, आप इसको डेफ पढ़िए। और दोस्तों डेफ का मतलब होता है जो सुन नहीं सकता उसको हम लोग बोलते हैं डेफ, जो सुनने की शक्ति नहीं है अगर किसी में तो उसको आप बोलेंगे डेफ। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जिन जिन लोगों में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, वो जरूर किसी ना किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो डेफ लोग होते हैं ना ये भी बड़े डेफ्ट होते हैं, जो डेफ लोग होते हैं ये भी बड़े डेफ्ट होते हैं, बहुत चतुर होंगे, निपुण होंगे, चालाक होंगे, कुशल होंगे। सुनाई ना देने के बाद भी ये लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी लेते हैं, बहुत चतुर होते हैं, निपुण होते हैं, चालाक होते हैं, कुशल होते हैं। तो रिलेट करिए एक डेफ पर्सन जो कि बहुत डेफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल हर मूवमेंट्स वर डेफ्ट एंड क्विक, मतलब उसके जो मूवमेंट्स थे ना वो बड़े स्किलफुल थे, बड़े स्किलफुल थे, बड़े आप बोल सकते हैं कुशल थे और बहुत तेज थे, ऐसा हम यहाँ पे किसी को बोल रहे हैं। गाइज आज का हमारा सिक्स्थ वर्ड है एरी, एरी। और इस वर्ड का दोस्तों मतलब होता है समथिंग दैट इज एबनॉर्मल और यू कैन से हॉरिबल। और दोस्तों आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं भयानक। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं ईयरी वर्ड का एक निमोनिक। देखिए दोस्तों ईयरी वर्ड साउंड्स लाइक ईयर, ईयरी वर्ड साउंड्स लाइक ईयर। और आप ऐसा रिलेट करिए कि एक आदमी है उसके बहुत सारे कान है, आपने एक आदमी को देख लिया उसके बहुत सारे कान है, मतलब दो कान नहीं है चार पांच कान है, तो वो आदमी कैसा हो गया? एबनॉर्मल आपको लगेगा क्योंकि जनरली कान तो दो ही होने चाहिए। तो वो आदमी कैसा है? काफी हॉरिबल है, भयानक भी दिखेगा आपको, बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह एबनॉर्मल लगेगा। तो आप उसको बोलेंगे व्हाट एन एरी मैन, आप ऐसा उसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉक डाउन द एरी डार्क पाथ, मतलब मैं एक बहुत ही भयानक अंधेरे वाले रास्ते से गया। गाइज आज का हमारा सेवंथ वर्ड है बिमोन, बिमोन। और इस वर्ड का दोस्तों मतलब होता है टू एक्सप्रेस सॉरो और टू रिग्रेट समथिंग, टू रिग्रेट स्ट्रांगली फॉर समथिंग। और अगर आप हिंदी में इसका मतलब देखेंगे तो हिंदी में आप बोल सकते हैं दुख प्रकट करना। चलिए दोस्तों बनाते हैं इसके लिए एक निमोनिक। देखिए दोस्तों बिमोन वर्ड में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे मौन, मौन। अब अगर आप इसको हिंदी के मौन वर्ड से रिलेट करें, आप अगर मौन है मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे, आप बिल्कुल शांत खड़े हैं, तो जनरली जब किसी का देहांत हो जाता है तो हम लोग मौन रहकर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं? मौन धारण करते हैं कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स के लिए। तो दोस्तों बस आप ऐसे ही रिलेट कर लीजिए, बिमोन में आप मौन धारण करेंगे मतलब आप दुख अपना प्रकट करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस सॉरो एंड रिग्रेट फॉर समथिंग, क्योंकि अगर किसी की डेथ भी हुई है तो आप रिग्रेट तो करेंगे ही। तो आप ऐसा इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं, बिमोन, मौन, मौन। हिंदी वाला मौन मीन्स शांत हो जाना, किसी की डेथ में आप ऐसा करते हैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो दोस्तों बिमोन वर्ड आप ऐसे याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फार्मर बिमोन हिज लॉस, मतलब फार्मर को कुछ बहुत नुकसान हो गया तो उसने अपना दुख प्रकट किया। सो द फार्मर बिमोन हिज लॉस। दोस्तों आज का हमारा एट्थ वर्ड होने वाला है कमिश्रेट, और इस वर्ड का मतलब होगा टू फील और एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर समवन। आप किसी के प्रति सिंपैथी शो करेंगे, फील करेंगे, तो इस वर्ड को आप बोलेंगे कमिश्रेट। हिंदी में आप बोल सकते हैं किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करना, हमदर्दी रखना। चलिए दोस्तों बनाते हैं कमिश्रेट वर्ड के लिए एक निमोनिक। देखिए दोस्तों कमिश्रेट वर्ड को आप रिलेट करिए एक पुलिस कमिश्नर से, ये काफी मैच भी कर रहा है स्टार्टिंग का पोर्शन कमिश्रेट वर्ड का कमिश्नर से,
कमिश्नरेट, कमिश्नर, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। तो दोस्तों ऐसा रिलेट करिए कि एक बार एक बहुत ही ब्रेव पुलिस ऑफिसर रहते हैं, तो वो ब्रेवली लड़ाई कर रहे थे दुश्मनों के साथ, मतलब गुंडों के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा? अब पुलिस कमिश्नर उनके घर जाएंगे और उनकी पूरी फैमिली मेंबर्स को क्या करेंगे? हमदर्दी देंगे और उनके प्रति अपनी सिंपैथी शो करेंगे। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो पुलिस कमिश्नर है वो कमिश्रेट करते हैं हर उस पुलिस ऑफिसर की फैमिली से जिसने देश के लिए अपनी क्या दी, जान दी। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कमिश्रेट जॉन फॉर हिज रिसेंट मिसफॉर्च्यून। मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपको जॉन को क्या करना चाहिए, उसके प्रति सिंपथी शो करना चाहिए फॉर हिज रिसेंट मिसफॉर्च्यून। जो भी उसके साथ रिसेंटली बुरा हुआ है उसके लिए, उसके प्रति आपको सिंपथी शो करना चाहिए। किसके प्रति? जॉन के प्रति। गाइज, आज का हमारा 9th नंबर पे जो वर्ड है, इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं एफेमरल, एफेमरल। और दोस्तों इस वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं क्षणभंगुर, या आप और ये भी बोल सकते हैं अल्पकालिक, अल्पकालिक। चलिए दोस्तों बनाते हैं इस वर्ड के लिए एक निमोनिक। देखिए दोस्तों, एफेमरल वर्ड, एफेमरल, अफेमरल, अफीम, अफीम आपको इसमें सुनाई देगा दोस्तों। इसको आप पढ़िए अफीम की तरह, अफीम। तो इसको आप रिलेट करिए अफीम से। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अफीम का जो नशा होता है, अफीम का जो नशा होता है वो थोड़े समय के लिए ही होता है, पूरी बहुत ज्यादा देर तक तो नहीं होगा, बहुत थोड़े समय के लिए होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं अफीम का जो नशा होता है ना वो एफेमरल होता है, एफेमरल होता है। मतलब आप ऐसा इसको रिलेट करिए। तो इस तरीके से आप एफेमरल वर्ड को अफीम से रिलेट करके याद रखेंगे कि अफीम का नशा बहुत थोड़े समय के लिए होता है, लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, अल्पकालिक, लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, अल्पकालिक। फॉर एग्जाम्पल, फैशन इज बाय नेचर एफेमरल, एफेमरल। मतलब जो फैशन होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, चाहे वो किसी भी चीज का फैशन हो, वो कपड़ों का फैशन हो सकता है, वो हेयर स्टाइल का फैशन हो सकता है, ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है, ये अल्पकालिक होता है, क्षणभंगुर होता है, लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम। एंड इन दिस वे वी हैव लर्न दिस वर्ड एफेमरल। दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड होने वाला है एक्सट्रैनियस, एक्सट्रैनियस। और इस वर्ड का मतलब होता है दोस्तों समथिंग दैट इज नॉट एसेंशियल, और वी कैन से समथिंग दैट इज इररिलेवेंट। इसके साथ साथ एक्सट्रेनियस वर्ड का एक मतलब और निकलता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं समथिंग दैट इज ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन, समथिंग दैट इज ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन। मतलब कोई बाहरी चीज की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर हिंदी में एक और इसका मतलब देखें तो हिंदी में आप बोल सकते हैं कोई बाहरी चीज, तो आप बोल दीजिए बाहरी। एक्सट्रेनियस का हिंदी में मतलब हो जाएगा बाहरी। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं एक्सट्रेनियस वर्ड के लिए एक निमोनिक। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि एक्सट्रेनियस वर्ड के दो मतलब निकलते हैं, पहला हो जाएगा ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं बाहरी, दूसरा हो जाएगा दोस्तों इररिलेवेंट या फिर नॉट एसेंशियल। मतलब कोई चीज जो इररिलेवेंट है उसको आप एक्सट्रेनियस बोल सकते हैं। तो निमोनिक आप ऐसा बना लीजिए कि एक्सट्रेनियस साउंड्स लाइक एक्स्ट्रा न्यूज, एक्स्ट्रा न्यूज, एक्स्ट्रा न्यूज। मतलब अगर न्यूज एक्स्ट्रा है ना, मतलब अगर अगर कोई न्यूज चैनल है और अगर कोई न्यूज चैनल जो है वो फालतू की न्यूज बता रहा है जो इररिलेवेंट है, मतलब एक्स्ट्रा न्यूज है। मतलब उसने क्या किया कि जब न्यूज नहीं मिली तो कुछ भी न्यूज लेके आ गया और टेलीकास्ट कर दिया, एक्स्ट्रा न्यूज। तो ऐसे रिलेट करिए एक्स्ट्रा न्यूज, मतलब यहाँ पे हम इररिलेवेंट न्यूज की बात कर रहे हैं। और आप ये बात जानते भी हैं कि आजकल जितने भी न्यूज चैनल आप देखते होंगे, ये न्यूज कम बताते हैं और एंटरटेनमेंट की चीजों को ज्यादा बताया करते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं इररिलेवेंट स्टफ ज्यादा हो गया आजकल के न्यूज चैनल में। तो एक्सट्रेनियस रिलेट करिए एक्स्ट्रा न्यूज, आजकल न्यूज चैनल काफी एक्स्ट्रा न्यूज दे रहे हैं, इररिलेवेंट न्यूज दे रहे हैं। तो एक तो ये मतलब आप इसका रिलेट कर सकते हैं, और एक मतलब आप याद रखिए एक्सट्रेनियस मीन्स ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ बाहर से ही आया होगा तभी तो वो एक्स्ट्रा है। तो बाहरी, ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन भी इसका एक मतलब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट वॉन्ट एनी एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पेज। मतलब इस पेज पे हमको कोई भी बाहरी इन्फॉर्मेशन या फिर इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, एंड आई एम डैम श्योर दैट आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों।
तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल ई आनंद को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाएं और आप इसी तरीके से अपनी वोकैबुलरी को डेली एनहेंस करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच गाइस।